अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पश्चिमी प्रांत आत्मघाती हमलों से दहल उठा। हमलावरों ने दोनों जगहों पर मस्जिदों को अपना निशाना बनाया, जिसमें 70 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। खबरों के मुताबिक काबुल के पड़ोस की एक मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया, जिसमें मुख्य रूप से शिया हजारा अल्पसंख्यक मौजूद थे। विस्फोट उस वक्त हुआ जब इमाम जामा मस्जिद के अंदर लगभग 6 बजे सैकड़ों लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। हजारा जाति समूह को मूल रूप में मंगोलियाई माना जाता है, जो ज्यादातर शिया इस्लाम के अनुयायी हैं, और यह अफगानिस्तान के विशाल बहुमत वाले सुन्नी मुसलमानों के बाद दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। काबुल में विस्फोट के करीब 1 घंटे पहले एक आत्मघाती हमलावर ने घोर प्रांत के डू लायना जिले के ख्वाजगन मस्जिद में विस्फोट किया था। सूत्रों के अनुसार यह हमला एक तालिबान विरोधी आतंकवादी फजल हयात खान ने किया था और उसके आदमी अंदर प्रार्थना कर रहे थे। इस हमले में फजल के साथियों समेत 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। वहीं अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसकी निंदा करते हुए हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।